हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी जोरदार डिमांड पे आपके वन लाइनर्स आ चुके हैं एंड आई मस्ट से यू मेड अ वेरी गुड डिसीजन बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपके एग्जाम बस थोड़े दिन में ही आने वाले हैं, यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी विगरस एक्सप्लेनेशन, यू जस्ट वॉन्ट गुड वन लाइनर्स जो आपके रिविजन को और ज्यादा इनहेंस एंड पंप अप करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो ऑन दैट नोट वी आर क्विकली गोइंग टू स्टार्ट विद अवर वन लाइनर्स। बिफोर बिगनिंग विद देम आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर अबाउट टू सी 41 liners. अब आपके सामने बहुत सारे ऐसे concepts आएंगे जो already आपने पढ़े हैं, which is very good for you. लेकिन अगर कोई एक या दो point आपके सामने नया आ जाता है, तो आपको परेशान नहीं होना है, उसको वहीं पे आपको gather करना है, अपने mind में रखना है, लेकिन उसको देख के परेशान होके आपको ढूंढने नहीं लगना है कि चलो अब इसको नया concept आया है उसको find करते हैं। बिल्कुल भी ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि उससे आपकी की हुई अच्छी खासी तैयारी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। सो व्हाटएवर न्यू कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस, उसको बस उतना ही रखिए, लर्न करिए, उसको रट लीजिए, उससे ज्यादा आपको उसके बारे में जानने की जरूरत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वन लाइनर है, यूनिवर्सिटी दैट सॉ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कल्चरल स्टडी वॉज, आपकी यूनिवर्सिटी या किस यूनिवर्सिटी में आपका कल्चरल स्टडीज एज अ फील्ड स्टार्ट हुआ था, वो थी University of Birmingham. Center for Contemporary Cultural Studies was founded in this Birmingham Center के अंदर जो आपका cultural study found हुआ था, वो किस year में found हुआ था? The year was 1964. आते हैं अपने next question की towards. A journal which widened the scope of cultural studies program at the University of Birmingham was known as. अब ऐसे questions net के exam में अब पूछे जा रहे हैं जहां पे आपके direct questions ना पूछ के journal से questions पूछे हैं। यहां पे पूछा है कि University of Birmingham में जहां पे आपका cultural studies found किया गया था, वो कौन सा journal था जिसकी वजह से cultural studies का जो field है, जो scope है, वो और ज्यादा widened या broad हो गया था। तो name है Working Papers in Cultural Studies. ये question आ चुका है आपके exam में, okay? So our next point is a journal published from Bowling Green University, which carried essays on amusement parks, comics and detective films was known as. Again journal से ये point है आपके सामने कि Bowling Green University. अब इस university का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन it is very important for you to know कि cultural studies के अंदर जो popular culture इतना ज़्यादा famous है, जो again and again हम लोग ने अपनी cultural studies की series में देखा, हर writer popular culture के बारे में पढ़ रहा है और अपनी field को expand कर रहा है, तो वो कौन सा journal है जो popular culture के बारे में बात करता है? Journal of Popular Culture, ये सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था आपकी बाउलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी से। एंड ये क्वेश्चन टू टाइम्स 2019 की शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू बैक टू बैक पूछा गया है, तो ये नाम आपके लिए याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके? Moving on to fifth point, the key figures in the development of British cultural studies are, हम लोग ने नाम देख लिया, University of Birmingham में हमारा cultural studies as a field start हुआ, 1964 में found हुआ, वो कौन से तीन founding figures थे जिनकी वजह से cultural studies जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको जानते हैं, वो field actually में possible हो पाई थी? तो आपके founding father हैं Richard Hogarth, आप सबको पता होना चाहिए कि इनके ही inaugural lecture या इन्होंने जो पहली बार टर्म लिया था कल्चरल स्टडीज का, उसके बाद से ही आपकी कल्चरल स्टडीज इन्वेंट हुई या फिर केम इनटू एग्जिस्टेंस। देन आते हैं आपके स्टुअर्ट हॉल एंड देन आपके रेमंड विलियम्स, हु इज अ वेरी बिग नेम इन आवर कल्चरल स्टडी फील्ड। आगे बढ़ते हैं। मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल एसोसिएटेड विद कल्चरल स्टडीज, अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मेरी सीरीज को देखा है या आपने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, आपकी कल्चरल स्टडीज के अंदर दो स्कूल्स बहुत ज्यादा फेमस है। एक है आपका बर्मिंघम सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज, दूसरा एसोसिएटेड स्कूल है आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल। अब ये भी कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि आपका जो बर्मिंघम सेंटर है वो मास कल्चर एंड पॉपुलर कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस पुट ऑन करता है और उन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करता है कि इन दोनों की वजह से, इन दोनों पॉपुलर एंड मास कल्चर की वजह से आपका जो वर्किंग क्लास सोसाइटी है वो किस तरीके से इफेक्ट होती है या उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। वेयर एज कल्चरल स्टडीज का जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमारे फ्रैंकफर्ट स्कूल के जितने भी स्कॉलर्स थे उनके वर्क्स में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, मैक्स हॉर्किमर, थियोडोर अडोर्नो, एरिक फ्रॉम एंड हर्बर्ट मैक्यूज, ओके?
आगे बढ़ते हैं. हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ बर्मिंगम कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ कल्चरल स्टडीज? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिचर्ड होगार्ट फाउंडिंग फादर हैं, तो जाहिर सी बात है जो पहले डायरेक्टर होंगे वो आपके रिचर्ड होगार्ट होंगे. रिचर्ड होगार्ट के जाने के बाद से उनके ही स्टूडेंट स्कॉलर जो स्टूअर्ट हॉल हैं उन्होंने डायरेक्टरशिप को संभाल लिया. तो ये आपको थोड़ी सी क्रोनोलॉजी लर्न होनी चाहिए. फर्स्ट केम योर रिचर्ड होगार्ट एंड देन केम योर स्टूअर्ट हॉल. आगे बढ़ते हैं. होगार्ट्स बेस्ट नोन बुक्स पब्लिश्ड इन 1957 एग्जामिन्स चेंजेस इन द इंग्लिश वर्किंग क्लास इन रिस्पॉन्स टू मास मीडिया. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो मास कल्चर है, पॉपुलर कल्चर है, उसके बारे में हमारे जो बर्मिंगम सेंटर के जितने भी राइटर्स थे या कल्चरल थ्योरिस्ट थे फाइंड करना चाहते थे. तो यहां पर पूछा है कि रिचर्ड होगार्ट की वो कौन सी बुक है जो वर्किंग क्लास सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है हमारी मास मीडिया का, उसको एग्जामिन करती है. His famous book's name is The Uses of Literacy, published in 1957. अब आपके रिचर्ड होगार्ट से यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है बार बार, और कोई मेजर वर्क हम लोग को इनका देखने को नहीं मिलता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. द टर्म थैचरिज्म इज एसोसिएटेड विद विच जमैकन बॉर्न ब्रिटिश मार्क्सिस्ट एंड कल्चरल थ्योरिस्ट. ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एथनिसिटी जरूर पूछी जाती है, या फिर आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा राइटर आपका वेल्श राइटर है, कौन सा जमैकन राइटर है, कौन सा कैनेडियन राइटर है. कभी कभी आपको ये सारी जो उनकी बिलोंगिंग्स हैं बहुत हेल्प करती है उस राइटर का नाम जानने में. तो थैचरिज्म किसने टर्म कॉइन किया था? आपके फेमस स्टुअर्ट हॉल, हु वॉज अ लेफ्टिस्ट. अब लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको वीडियोस में जाके देखना होगा. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम इन दिस वीडियो. स्टुअर्ट हॉल एक लेफ्टिस्ट थे जो राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी, दैट इज द पार्टी ऑफ मार्गरेट थैचर की आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट में थे, एंड हेंस उनके अगेंस्ट में होने की वजह से इन्होंने एक टर्म निकाला व्हिच इज नोन एज थैचरिज्म. ओके, a British bi-monthly journal founded by Stuart Hall, which talked about social issues, political rights and gender roles, is known as your New Left Review. ये थोड़ा सा आपके लिए guess करना easy हो जाएगा अगर आपको Stuart Hall की ये background पता है कि वो leftist wing को belong करते थे and वो इन सारे political and social issues के बारे में बहुत ज़्यादा work करते थे या फिर उनके बारे में लिखा करते थे. तो journal बहुत important questions हैं जो आपके cultural studies से ही नहीं सारी लिटरेरी थ्योरी से भी पूछे जाते हैं. जर्नल के नेम्स विच यू हैव टू रिमेंबर. ओके, तो इस जर्नल का नाम है न्यू लेफ्ट रिव्यू जो आपकी स्टुअर्ट हॉल ने फाउंड की थी. ओके, The idea of new ethnicities in post-war Britain was advanced by, this idea was advanced by Stuart Hall. ये question आ चुका है. अब अगर आपको again Stuart Hall का थोड़ा सा background पता होगा, which I've already discussed in my video, कि वो black arts movement से related थे. तो जो black art movement से related हैं, black लोगों की ethnicity उसके ऊपर work करते थे और उसको black arts के लोगों को एक identity दिलाने की, black people को दिलाने की ये कोशिश कर रहे थे. सो न्यू एथनिसिटीज टर्म आता है आपके स्टुअर्ट हॉल का, एंड आपको याद रखना है कि वो एसोसिएटेड थे विद ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट. ओके, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर पॉइंट फ्रॉम स्टुअर्ट हॉल एंड हैंस रॉबर्ट जॉस आर एसोसिएटेड विद विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल्स. आप सबको पता होगा कि स्टुअर्ट हॉल इज फेमस फॉर हिज रिसेप्शन थ्योरी, कि आपकी मीडिया में जो मैसेजेस घूम रहे हैं, जो टेलीविजन में, जो मीडिया में आप देख रहे हैं, उसको आपकी ऑडियंस किस तरीके से रिसीव करती है और उसको किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती है, इस पे आपके स्टुअर्ट हॉल ने बहुत सारी थ्योरीज डेवलप की हैं. तो हैंस रॉबर्ट जॉस उस थ्योरी के, रिसेप्शन थ्योरी के प्रोपाउंडर या मेन फाउंडर माने जाते हैं, एंड स्टुअर्ट हॉल हैज रिटन एक्सप्लिसिटली ऑन दिस थ्योरी. हेंस आपकी जो थ्योरी बन जाती है ऑडियंस रिसेप्शन थ्योरी. अब ऑडियंस नहीं भी लिखा होगा तो रिसेप्शन थ्योरी अगर लिखा होगा आप उसको करेक्ट मार्क कर दीजिएगा. ओके, In which seminal essay did Stuart Hall dealt with negotiation and opposition by the audience? अब जो communication models या reception theory के अंदर बहुत सारी और भी theories आती हैं and इनके works and essays आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि वो कौन सा इनका work है जिसके अंदर इन्होंने audience के through किए गए negotiation and opposition of the media or the messages that you have in your media,
उसके बारे में बात की है. इनका फेमस वर्क है, हेंस इट इज रिटन सेमिनल वर्क, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन टेलीविजन डिस्कोर्स. टेलीविजन की फील्ड में, टेलीविजन स्टडीज की फील्ड में मैसेजेस कैसे इनकोड किए जा रहे हैं और आपकी ऑडियंस उन मैसेजेस को किस तरीके से समझ रही है या डिकोड कर रही है, उसके बारे में बात की है इन्होंने अपने 1973 के एसे में, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन टेलीविजन डिस्कोर्स. इसको आपको याद रखना है. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर पॉइंट. स्टुअर्ट हॉल्स सर्किट ऑफ कल्चर इंक्लूड्स, अगेन रिसेप्शन थ्योरी के अंदर अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल. जो उनका सर्किट ऑफ कल्चर का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं. जिस तरीके से आपकी जो मीडिया में किसी भी मैसेज, आप किसी एड का एक एग्जांपल ले सकते हैं, उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, उसके 5 स्टेप्स दिए हुए हैं. सबसे पहला आता है रिप्रेजेंटेशन, देन आती है आपकी आइडेंटिटी, देन आता है प्रोडक्शन, देन आपका कंजम्पशन एंड देन रेगुलेशन. ये है आपके 5 पॉइंट्स जो सर्किट ऑफ कल्चर के अंदर आते हैं. कभी कभी एक पॉइंट इसमें से मिस कर दिया जाएगा और फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में आपके सामने ये सारी क्रोनोलॉजी को रख दिया जाएगा. ओके, moving forward, an American literary historian famous for his works on Shakespeare and Renaissance studies from new historic lens. अब हम लोग cultural studies के ही अंदर new historicism के towards थोड़ा आ जाते हैं. and I already told you in my video की cultural studies में से ये सिर्फ एक ऐसे writer हैं जिन्होंने Shakespeare के works के ऊपर, Renaissance के time के ऊपर बहुत ज़्यादा study की है. और इनकी most of the books का जो नाम है वो Shakespeare, Renaissance और इन सब से ही related है. तो इनको judge करना या इनको pick out करना बहुत ज़्यादा easy है. that person is Stephen Greenblatt. he is also known as Shakespearean scholar. इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की है और उनको स्टडी करते करते बहुत सारे टर्म्स निकाले हैं, which we'll see in our next point. 2 historical moments highlighted by Greenblatt in his book Shakespearean Negotiations. अब ध्यान दीजिए, as I already told you कि इनके जो works हैं वो guess करना बहुत easy है क्योंकि Shakespeare और Renaissance से related आते हैं. इनकी एक famous book है Shakespearean Negotiations. यहाँ पे पूछा है कि वो दो कौन से आपके highlighted historical moments हैं जो इन्होंने इस book के अंदर डाले हैं. तो उस book का नाम है, point का नाम है Circulation and Production of Meaning. अब इन्होंने इस बुक के अंदर सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी के भी बारे में बहुत ज्यादा बात की है. ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस. आगे बढ़ते हैं. विच राइटर अप्लाइड द टर्म कल्चरल पोएटिक्स टू हिज ओन क्रिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक लिटरेचर एंड आर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस. अगर आपको न्यू हिस्टोरिसिज्म का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप देख रहे होंगे कि वहां पे हिस्ट्री एंड लिटरेचर को या फिर किसी टेक्स्ट को हिस्ट्री से कनेक्ट करके देखा जाता है और किसी भी लिटरेरी थ्योरी को हिस्टोरिकल इवेंट्स या उनके जो कुछ भी हुआ था हिस्ट्री में उससे रिलेट करके देखा जाता है. तो आपके जो स्टीफन ग्रीनब्लैट है उन्होंने एक टर्म कॉइन किया कल्चरल पोएटिक्स, एंड ये टर्म है कल्चरल पोएटिक्स का जो आता है आपके स्टीफन ग्रीनब्लैट के थ्रू. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. विच थ्योरिस्ट टॉक्स अबाउट सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी. अभी अभी हम लोग ने इस बात को डिस्कस किया कि आपका जो एनर्जी के बारे में बात की है शेक्सपियरियन नेगोसिएशंस के अंदर, कि एक सोसाइटी के अंदर अगर एक एनर्जी चल रही है वो कंटिन्यूसली बहुत सालों तक चलती चली आती है, एंड जब तक आप उसको फोर्सफुली उस सोसाइटी से रिमूव नहीं करोगे वो सर्कुलेट करती रहेगी. इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने बात की है स्टीफन ग्रीनब्लैट. ओके, आगे बढ़ते हैं. द टर्म कल्चरल मटीरियल is associated with, आप सबको पता होगा कि cultural materialism जो term है वो Raymond Williams का term है, जिसके through इन्होंने बताया है कि जो material है आप किस तरीके से material के through किसी भी society के culture को judge कर सकते हैं. एक society में क्या चल रहा है, आप उस society में consume होने वाली materialistic चीजों को देख कर समझ सकते हैं उस society के culture को. तो ये इन्होंने बात की है cultural materialism में. okay, Raymond Williams critical text which traces the evolution of culture in England from 18th to 20th century. आपने अगर मेरा ये वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा I did put a lot of emphasis कि इनका ये जो work है culture and society 1958 में publish हुआ है, और इस question से, इस point से 4 to 5 times repeated questions आए हैं. कभी आपकी chronology पूछी गई है, कभी इनका directly इस तरीके से explain करते हुए पूछा गया है,
है, कभी आपका मैच द फॉलोइंग में कल्चर एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो कल्चर एंड सोसाइटी रेमंड विलियम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो एनालाइज करती है इंग्लैंड के कल्चर को फ्रॉम 18th to 20th century। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेमंड विलियम्स प्रपोजेस दैट फीलिंग्स एंड इमोशंस शुड बी अंडरस्टूड एज सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट टू लॉजिक एंड एनालिसिस थ्रू हिज टर्म। अब पूछा गया है कि रेमंड विलियम्स का वो कौन सा टर्म है जहां पे इन्होंने फीलिंग्स और इमोशंस को एक फिनोमेना की तरह ट्रीट किया है। ये इनका टर्म है स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, और ये क्वेश्चन अगेन पूछा जा चुका है। ओके, a book originally intended to be published with culture and society examines more than 100 words whose meanings have changed culturally. aapne meri recent short agar dekhi hogi to aapko ye pata hoga ki I already told you ki culture and society jo inki famous book hai originally us book ke sath ek aur book publish hone wali thi jiska naam hai keywords vocabulary of culture and society lekin publish nahi ho payi aur baad mein hui. is book ke bare mein jo special thing hai I have already told you ki इस बुक के अंदर कल्चरली बहुत सारे 100 वर्ड्स को चेंज होने वाले वर्ड्स को इन्होंने एग्जामिन किया है। जैसे कि आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय वीडियो कि अगर हम लोग दादा की बात करें तो दादा एक ऐसा वर्ड है जो आप अपने ग्रैंडफादर को बोलेंगे, लेकिन आज की डेट में कल्चरली उसका मीनिंग चेंज हो चुका है कि आप किसी इंसान को भी बोल सकते हो कि वो तो उस गली का बहुत बड़ा दादा है। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्टेक्स्टुअली कल्चरली जो वर्ड्स के मीनिंग अब चेंज होते जा रहे हैं उन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को रेमंड विलियम्स ने अपनी इस बुक के अंदर एग्जामिन किया है और डिफाइन किया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, रेमंड विलियम्स फेमस लाइन्स, कल्चर इज ऑर्डिनरी दैट इज द फैक्ट फाइंड्स इट्स सोर्स इन। अब आपको रेमंड विलियम्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने कल्चर को एक ऑर्डिनरी फिनोमेना बताया है, और बताया है कि ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी के कल्चर को आप एग्जामिन करें या किसी का कल्चर एग्जामिन करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल्चर एक ऑर्डिनरी है और वो किसी भी वर्किंग क्लास सोसाइटी या ऑर्डिनरी मैन को बिलोंग कर सकता है। तो ये बात इन्होंने किस बुक में बोली है, रिसोर्सेज ऑफ होप कल्चर डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। आपको ध्यान देना है कि इस बुक के अंदर उन्होंने टीएस इलियट के जो कल्चर इलाइट कल्चर को लेके उनके व्यूज थे उसको अपोज या फिर अटैक भी किया है। ओके, a book of cultural analysis which analyzes country and the city in English literature since 16th century. अब आपके जो रेमंड विलियम्स है, जैसे हम लोगों ने कल्चर एंड सोसाइटी में देखा कि आपकी 18th to 20th century इंग्लैंड के जो कल्चर को उन्होंने एग्जामिन किया है कल्चर एंड सोसाइटी के अंदर, अब यहाँ पे 16th सेंचुरी के इंग्लिश लिटरेचर के जो कंट्री एंड सिटी का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने किस बुक के अंदर एग्जामिन किया है। द बुक्स नेम इज कंट्री एंड द सिटी 1973। डेट याद रखिए, रेमंड विलियम्स आपके कल्चरल स्टडीज के एक ऐसे राइटर हैं जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो रेमंड विलियम्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, a term homology which describes the relations between literary works and social classes was developed by Raymond Williams. ka ek aur important concept hai homology, jahan pe ye do structures ya kisi bhi do cheezon ke beech mein jo relation hota hai uske bare mein baat karte hain, is concept ko hum log kehte hain homology. okay, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एन इंग्लिश हिस्टोरियन मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द कल्चरल स्टडीज एंड लेबर हिस्ट्री ईपी थॉमसन रोड बायोग्राफीज ऑफ विच टू फेमस पर्सनालिटीज। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेट में, सो आई मेड दिस पॉइंट कि वो कौन सा आपका कल्चरल थ्योरिस्ट है जो लेबर हिस्ट्री के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है। उसने दो फेमस पर्सनालिटीज की बायोग्राफी लिखी है, वो दो फेमस पर्सनालिटीज कौन सी है, विलियम मॉरिस एंड विलियम ब्लेक। ओके, थॉमसन्स मोस्ट फेमस वर्क दैट डेल्ट विद privilege and power from working class perspective was known as the making of english working class 1963. ध्यान दीजिएगा, जो इनका making of english working class है and आपके richard hogarth का uses of literacy published in 1957, ये दोनों बहुत important works माने जाते हैं क्योंकि cultural studies की field जो आपकी 1964 में आई थी उससे पहले ही इन्होंने ये works लिख दिए थे, तो ये works cultural studies के एक inaugural works माने जाते हैं और बहुत ही ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इस वर्क के बारे में स्पेशल ये है कि ईपी थॉम्सन ने सबसे पहले तो जो ये बुक लिखी है वो वर्किंग क्लास सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लिखी है। ध्यान दीजिएगा कि कल्चरल स्टडीज में वर्किंग क्लास सोसाइटी के बारे में बात तो कर रहे हैं हमारे सारे कल्चरल थ्योरिस्ट, लेकिन इलाइट या फिर आपका जो हाई कल्चर है उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने वर्किंग क्लास सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से किसी वर्क को लिखा था। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट वाज ग्राम्स्की'स टर्म फॉर कल्चरल कंसेंसस सपोर्टिंग कैपिटलिज्म। अब आपके जो एंटोनियो ग्राम्स्की हैं जिनका कल्चरल हेजमनी एक टर्म है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कल्चरल स्टडीज की फील्ड में बार बार आपके सामने आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू इटालियन मार्क्सिस्ट एंड थ्योरिस्ट एंटोनियो ग्राम्स्की, अब ये जो है हेजमनी का जो इन्होंने टर्म दिया है, एक्चुअली में हेजमनी का मतलब क्या है, इट इज रिटन ओवर है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चंस लगा चुके होंगे एंड आपको सब कुछ देखने को मिल रहा होगा तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा कि हाँ यार ये तो पढ़ा है एंड वी आर गेटिंग वेरी एप्ट वन लाइनर्स जो आपका रिविजन या ब्रशअप करा रहे होंगे। हेजमनी इन्वॉल्व्स अ डिग्री ऑफ कंसेंट ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पीपल। हेजमनी का नाम ही दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलते हैं रूल बाय कंसेंट। ये एक ऐसा रूल होता है जहां पे वर्किंग क्लास सोसाइटी को पता ही नहीं लगता है कि लोग हम पे रूल कर रहे हैं एंड कंसेंट वो लोग दे देते हैं कि हाँ भाई हम पे आओ रूल करो, और वो इलाइट कल्चर या आपके हाई कल्चर के अकॉर्डिंग अपने आप ही चलने लगते हैं। ओके, विच कल्चरल थ्योरिस्ट मोबिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इंटरमीडियरीज। अब प्योरे बॉर्ड्यू का ये टर्म है कल्चरल इंटरमीडियरीज, आपके कल्चरल स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जहां पे आपके हाई कल्चर या फिर आपके जो इलाइट कल्चर में से कुछ लोग होते हैं अपनी कंजम्पशन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो ट्रेंड में या पॉपुलर कल्चर में एक ऐसे एंटिटी को डाल देते हैं या किसी ऐसे प्रोडक्ट को डाल देते हैं जो लोगों को वो लाइक करा देते हैं एंड उसकी वजह से लोग उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं एंड उनके लिए उस चीज को अवेल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि बीइंग ह्यूमन की जो टी शर्ट है वो क्या हम जैसे मिडिल क्लास लोग पहनते होंगे, नहीं पहनते होंगे, लेकिन अब आप हर मॉल में जाएंगे एंड उस चीज को उस पॉपुलर कल्चर को आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम लोग के माइंड में इंस्टिल कर दिया गया है। एंड कभी ना कभी व्हेन यू विल हैव सम मनी ऑफ योर्स तो आप जरूर जाके उस पर इन्वेस्ट करेंगे ब्रांड के नाम पे। तो ऐसे लोग होते हैं कल्चरल इंटरमीडियरीज जो आपके कल्चर को बीच में ही आके शेप करते हैं जिसकी वजह से आप उस चीज को कंज्यूम करने लगते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विच कल्चरल मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट इज लिंक्ड विद द टर्म इंटरपोलेशन। लुईस अल्थुसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया है इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल अपैरेटस जो इनकी फेमस बुक है, इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग के अंदर, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ओके, हु कॉइंड द डिक्टम। डिक्टम का आपका सेंटेंस हो सकता है या फिर एक ऐसा सेंटेंस जो बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है, द मीडियम इज द मैसेज। हम लोग ने रिसेंटली ही मार्शल मैक्लुहन का वीडियो देखा है एंड वहां पे हम लोग ने देखा था कि मार्शल मैक्लुहन ने इस टर्म के थ्रू बताया है कि आपका जो मैसेज है या जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियम। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन योर रील्स, जो आप तक वो चीज को पहुंचा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्शल मैक्लुहन के अकॉर्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैक्लुहन्स फेमस स्टेटमेंट ऑल मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन फैकल्टी यूजेस विच फेमस मिथ। वी हैव डिस्कस्ड दिस कि जो ऑल मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन फैकल्टी, ये पॉइंट सबसे पहले तो आपके मार्शल मैक्लुहन ने दिया है एंड इस पॉइंट को कौन से फेमस मिथ को यूज करते हुए इन्होंने इस पॉइंट को समझाया है, इज द फेमस मिथ ऑफ ग्रीक मिथ ऑफ नार्सिसस। नार्सिसस एक ऐसा इंसान था जो अपनी ही छाया को पानी में देखकर उससे प्यार में पड़ जाता है और उसके प्यार में वो इतना पागल हो जाता है कि वन डे ही किल्स हिमसेल्फ। तो यहाँ पे मार्शल मैक्लुहन ने बताया है कि मीडिया हम लोग को जिस तरीके से ब्लाइंड कर रही है, हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिसके टुवर्ड्स हम लोग ब्लाइंडेड हो रहे हैं वो हमारा ही तो एक्सटेंशन या हमारा ही तो मिरर इमेज है। तो ये पॉइंट इन्होंने अपने इस पॉइंट के थ्रू समझाया है। ओके,
McLuhan's term hot and cool media is a part of, again ये बहुत important term है, question कभी नहीं आया है, but according to me this is very important, ये कभी भी आ सकता है. Understanding media, the extensions of man, जो हम लोग ने ऊपर दो इनके terms देखे वो भी इसी book में से आते हैं, तो आपको ये भी point याद रखना है कि Marshall McLuhan का ये सबसे important work है, Understanding media, the extensions of man, published in 1964, जिसके अंदर इन्होंने दो type की media बताई है, hot media and cool media. Hot media जो आपसे ज्यादा ध्यान घसीटती है एंड कूल मीडिया जो आपका ज्यादा ध्यान नहीं घसीटती है लेकिन आपके पार्ट पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस एंड इन्वॉल्वमेंट को डिमांड करती है. ओके, McLuhan, a proponent of media theory, views world community reduced by electronic media through global village. अब आपके McLuhan जो media के इतने सारे terms उन्होंने दिए हैं, उन्होंने global village का एक term दिया है जिसके through बताया है कि इस पूरी दुनिया को एक छोटी सी community बना दिया है global village के concept ने, और वो क्या है कि electronic media की वजह से आपका ये जो दुनिया है वो छोटी बन गई है. ओके, एक छोटे से village की तरह है जहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ एक दूर दराज के इंसान से कम्युनिकेट कर पा रहा है. ओके, जैसे हम लोग ने कम्युनिकेट किया कि आपकी क्या डिमांड थी वीडियो को लेके, तो आपने बताया वन लाइनर्स की डिमांड थी और एक दिन के अंदर ये वीडियो आपके सामने आ चुका है, तो आप देख पा रहे हैं कि हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया है और हम लोग एक ग्लोबल विलेज का पार्ट है जिसको रूल कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ओके, जॉन फिस्केज बुक दैट डील्स विद cultural artifacts as TV game shows, jeans, tabloids, उसका जो term है वो किसके अंदर आया है? Understanding popular culture. हम लोग ने recently John Fiske का video देखा था और हम लोग ने ये देखा था कि इन्होंने popular culture and media semiotics और television studies के ऊपर बहुत ज़्यादा terms coin किए हैं. तो आप जहाँ पे भी popular culture से related कुछ concept देखेंगे तो John Fiske आपको याद आना चाहिए. Okay? Fiske's most influential book on textual interpretation and significance of popular culture. किस book का part है? Reading the Popular 1989. ये आपके लिए Stephen Greenblatt की तरह थोड़ा सा judge करना या pick out करना easy है. Okay? Frederick Jameson, associated with postmodern culture, with dash capitalism, multinational capitalism, जो आपके Frederick Jameson हैं, इन्होंने postmodern culture के बारे में कुछ बात की है और उसको relate किया है multinational capitalism से. ये आपके literary theory and cultural studies दोनों का ही एक important concept है. Then Will in the World and Tyrant, Shakespeare on Power are famous books by. अभी तक आपको ये चीज अब आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी कि शेक्सपियर से अगर क्वेश्चन आएंगे आपकी कल्चरल स्टडीज में तो वो कौन होंगे? स्टीफन ग्रीनब्लैट. विल इन द वर्ल्ड आपकी ये जो शेक्सपियर की बायोग्राफी टाइप फॉर्मेट में है वो इन्होंने लिखी है. टायरेंट, शेक्सपियर ऑन पावर, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा ये एक वील्ड काइंड ऑफ क्रिटिकल अटैक है ऑन ट्रंप. ऐसा इन्होंने जानबूझ के नहीं बनाया है लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो इन्होंने शेक्सपियर का नाम लेके टायरेंट वर्ड यूज किया है वो ट्रंप के लिए यूज किया है और वहां बहुत सारा अल्यूजन देखने को मिलता है. तो ये हो गई आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. आगे बढ़ते हैं. द लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961 एग्जामिन्स द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ 21st सेंचुरी बाय रेमंड विलियम्स. रेमंड विलियम्स के हम लोग ने कितने इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे, कल्चर एंड सोसाइटी, कंट्री एंड द सिटी, एंड देन इनका लॉन्ग रेवोल्यूशन 1961 बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेमंड विलियम्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो ऑन दैट नोट खत्म होते हैं आपके 41 लाइनर्स. आई होप आपके रिविजन को ये एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ले गए होंगे. आपके सारे कॉन्सेप्ट जो आप इतने से पढ़ रहे होंगे वो एक वीडियो में आपको मिल गया होगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा अपनी कल्चरल स्टडीज की फील्ड को लेके. वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा बिकॉज ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस आपके लिए आगे भी आने वाले हैं. ओके, So on that note, I will take your leave. Do keep commenting and telling कि आपको किस type के videos की need है and I will definitely make a video specially customized for you people. So on that note, bye and take care and keep preparing, keep studying.